क्लोडिया, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो और वो भी उस इंसान के लिए जो कब का मर चुका। छोड़ो इस नाराजगी को, अब जाने दो। मर चुका? क्या फायदा? तुम्हें लगता है तुम्हारा फैसला ठीक था? हाँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें पहला तो। शर्म कैसी? एक बेगुनाह को सजाए मौत दे दी और कह रहे हो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। क्लोडिया, ये मेरा फैसला नहीं था बल्कि सबका फैसला था। मैं कैसे जाता सबके खिलाफ? मैं डर गया था ताकि वो खुद ना कुछ कर दे। वाह, तुम डर गए थे? डर गए थे तुम अपनी बादशाहत से, कहीं वो चल ही ना जाए तुम्हारे हाथ से। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हेरोदिस को भी पता ना था कि उसके साथ क्या किया जाएगा। हेरोदिस, वो भी डरपोक है बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हें मैं डरपोक लगता हूँ? हाँ, डरते हो तुम। डरते हो तुम कैसर से? हाँ, तो ऐसा कौन है जिसे कैसर का डर ना हो? अच्छा, तो कैसर के डर से तुम और हेरोदिस बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो? हाँ, कह सकती हो, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्लोडिया, सुनो जरा, सोचो अगर वो यीशु सच में हमारा बादशाह मुंतखब हो जाता और कैसर भी उसे बादशाह मान लेता, तो मुझे नहीं लगता कि ये दौलत, ये इख्तियार हमें मिलता और हमें ये छोड़कर जाना पड़ता। ये ऐशो इशरत हमसे छीना जाता। क्लोडिया, तो मुझे ये चाहिए भी नहीं, मैं जा रही हूँ। क्या बोला तुमने? मैं यहाँ से जा रही हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मैं इस सूरत हाल में बिल्कुल नहीं रह सकती और ये तुम्हारी गलती है। मगर मैंने तो इस सूरत हाल को पैदा ही नहीं किया। ये सिर्फ मेरी गलती नहीं, मैंने तो इन सबसे हाथ धो लिए थे। हाथ धोए थे मगर अपने गुनाह मिटाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है, पानी से हाथ धोने से बेगुनाह का खून धुल जाएगा? ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। जरा सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारी जमीर की आवाज सुनाई दे। क्या तुमने अपने जमीर की कभी आवाज सुनी है? तो ये सब मैं तुमसे क्यों कहती? तुम्हें पता भी है यरूशलेम में क्या बातें हो रही हैं? क्या हो रही हैं? वो जो सिपाही थे तुम्हारे, जो कब्र का पहरा दे रहे थे, जिनसे तुमने झूठ बुलवाया था, उनकी पोल खुल गई है बला तो। अच्छा? जिनको तुमने पैसे देके ये कहलवाया था कि शागिर्द यीशु की लाश को ले गए। ये बहुत बड़ी खबर है कि यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं, और ये भी बहुत बड़ी खबर है कि वो खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा? वो जिंदा है, सच में जिंदा है। मुर्दों में जी उठा? तुम्हें ये मानना होगा पिलातुस, वो जी उठे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है उसे। क्लोडिया, अब बस भी करो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन बेतुकी बातों पर यकीन करूंगा? ये हुआ है, सच में हुआ है, और मुझे उसके बारे में और जानना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये हुआ है? कैसे हुआ है? सिपाही तो कह रहे थे कि फरिश्ते आ गए थे और जमीन जमीन कांप रही थी। तो क्या यीशु वाकई ही जिंदा हुआ है? अगर ये वाकई ही सच है कि यीशु मुर्दों में जिंदा हो गया है, तो मेरे हाथों से ये कैसा गुनाह हो गया? ऐ खुदा, मुझे माफ फरमा।